हाँ अस्सलाम वालेकुम। नहीं चल रहा ठीक है। इज्जत माप आली जनाब रितेश पांडे जी, हर दिल अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस डाइस पे तशरीफ फरमा सभी लायक एहतराम शख्सियतें, ऑल इंडिया शोहरत के हामिल बल्कि बैनुल अक्वामी शोहरत के हामिल शोराए कराम यहाँ पे मौजूद हमारे नौजवान दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र और मसर्रत का बाइस है कि आज हम यहाँ पे हजरत फाखिर जलालपुरी साहब की याद में खिदमत फाउंडेशन की तरफ से एक शानदार मुशायरे का इनेकाद कर रहे हैं। इसके लिए मैं अराकीन कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूं। मैं अपनी बातें आगे बढ़ाऊं, चूंकि ये मुशायरा फाखिर जलालपुरी साहब की याद में हो रहा है, उन्हीं का एक शेर कह करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि मेरी गैरत मेरे जिस्म का सारा लहू यूं पी गई जैसे मेरा जिंदगी से कोई रिश्ता ही नहीं था। ये इस शेर के खालिक फाखिर जलालपुरी साहब आज हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी पैदाइश हमारे इसी कस्बे के मोहल्ले काजीपुरा के एक साहिब इल्म घराने में 15 अगस्त 1934 को हुई और गुज़िश्ता दो महीना पहले 16 जून 2019 को वो इस दार फानी से कूच कर गए। फाखिर साहब इन सब बहुत ही बागो बहार तबीयत के मालिक थे। उनकी आधे दर्जन से ज्यादा किताबें जेवर तबा से आरास्ता होकर के मंजर आम पे आ चुकी हैं। उनकी नज्म नस्र की बहुत सी किताबें जैसे आयात हरम, जैतून के साए, फिगार गजल, हर्फ ज़ार, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनको उर्दू एकेडमी से उनको इनामात से नवाजा गया। फाखिर जलालपुरी हयात और कारनामे के मौजू पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी की डिग्री तकवीज किया। वो हमेशा मुल्क के मोतबर और मियारी रिसाले में उनका कलाम छपता रहा है। मैं समझता हूँ तकरीबन 3 दहाई का अरसा गुजर चुका जब फाखिर साहब को हम लोगों से ताल्लुकात हुए, हम लोग उनके करीब हुए, तो हमने हमेशा उनको एक सरपरस्त और मुसफ्फिक पाया। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज पीर मोहम्मद साहब साबिक चेयरमैन काउनरिया जलालपुर का भी सियासत अदब और समाजी कामों में बड़ा नाम रहा है, उनके बारे में भी बहुत सी बातें मुझको फाखिर चचा की जबानी ही मालूम होती थी। मैं कभी अगर परेशानी के हालात में मुब्तला होता था तो फाखिर साहब के साथ जाकर के बैठ जाता था, उनकी बातों से बड़ी तकवीत मिलती थी। हम लोग बचपन से ही फाखिर साहब को हमने देखा भी है, समझा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, महसूस भी किया है और हमेशा हमने ये देखा है कि हमेशा हम लोगों के लिए एक सरपरस्त की हैसियत से रहे हैं। फाखिर जलालपुरी की शायरी उनकी जिंदगी की जलवागाह है। उन्होंने अपनी शायरी में अपनी जिंदगी के उनकी शायरी में उनकी जिंदगी के कर्बज़दा लम्हात की आँच भी है और खुशी और मसरत की ठंडक भी है। उनकी शायरी मौजूदा जो हालात रहे हैं, मौजूदा जो माहौल रहा है, उस माहौल की शायरी रही है, अवाम की शायरी रही है। उनका मैं एक गजल का एक बंद मैं आपको सुना रहा हूं
कि कतरे की बात है न समंदर की बात है, कतरे की बात है न समंदर की बात है, तिसना लबों के ये तिसना लबों के मुकद्दर की बात है, ये क्या ये कम नहीं कि हल्के यारा में आके भी फाखिर के शेर में तेरे पैकर की बात है। इसके अलावा फाखिर साहब ने फाखिर साहब की नात गोई अपने आप में एक मिसाल है, उनकी जो है हम दो नात की कई मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं, जैसे दानाए सुबल दानाए सुबुल आपके आयात हरम जैतून के साए, ऐसी बहुत सी किताबें हैं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के हवाले से उन्होंने शेर लिखा है। एक बंद मैं सुना रहा हूँ कि मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो हबीबे किबरिया तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो दीन के रहनुमा तशरीफ लाते हैं, फरिश्तों साजे सल्ले अल्लाह की लय को तेज तर कर दो, दरूद दरूद पाक के अनवार से कौनों मकाम भर दो। ये थी फाखिर जलालपुरी की शायरी। इसी तरीके की शायरी से उनके सारे कलाम भरे पड़े हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फाखिर साहब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसी बहुत सी शख्सियतें हमारे बीच से उठती जा रही हैं। अभी इस गुज़िश्ता साल जो है अनवर जलालपुरी साहब का इंतकाल हुआ, इसके पहले इरफान जलालपुरी साहब, समद देसदी साहब, फाखिर आपके हाफिज जलालपुरी साहब, जफर हुसैन महतो साहब, जिया लाल गुप्त जी, पंडित केदारनाथ मिश्रा जी, ऐसे बहुत से लोग जो है जलालपुर से रुखसत हो गए, जो जलालपुर जिनके नाम से जलालपुर जाना जाता था, जो जलालपुर की आबरू थे, जो जलालपुर की आन बान शान थे। लेकिन एक हमें खुशी है, एक उम्मीद की किरण है कि आज भी बहुत से लोग हमारा चाहे अदब की रोशनी हो चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो जलालपुर का नाम रोशन किए हुए हैं, और उन तमाम लोगों से हमें बड़ी उम्मीद है और आने वाली नस्लों से भी बहुत ज्यादा हमको उम्मीद है। एक चीज का हमें बहुत ही इत्मीनान है कि इल्म अदब और साहित्य का एक सायेदार दरक हम लोगों के दरमियान आज भी मौजूद है, जिनकी ठंडी छाव में बैठ करके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मेरी मुराद उस्ताद शायर जाहिद जाफरी साहब से है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जाहिद जाफरी साहब को तवील उम्र अता करे, ताकि उनके जो है सरपरस्ती में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका हमेशा मिलता रहे। हजरत गिरामी, जहां तक जलालपुर का ताल्लुक है, जलालपुर एक अदबी, एक तारीखी, एक सीनती शहर रहा है। हमेशा से यहां अमन और शांति का बोलबाला रहा, एकता और सौहार्द का बोलबाला रहा। यहां एक खुशबूदार गंगा जमुना तहजीब रही है यहां की, और इल्मी तनाजुर की रोशनी में अगर देखा जाए तो अदब और शेर सखन की एक जगमगा एक जो है कहकशा हमेशा इस सरजमीन को जगमगाती रही है। मुशायरे का जहाँ तक ताल्लुक है, मुशायरे कौमी एकजहती के अलमबरदार हैं, मुशायरे कौमी एकजहती की जमानत हैं, कौमी एकजहती के फरोग के लिए मुशायरों का इनेकाद बहुत ही ज़रूरी है, और इसी तरीके का इनेकाद हमेशा होना चाहिए। मुशायरों का ताल्लुक उर्दू ज़बान से है, उर्दू ज़बान खुद एक एकता और भाईचारा की ज़बान है, और आप लोगों ने देखा होगा कि ये ज़बान और इसकी शायरी आज़ादी की लड़ाई में एक असलाह के रूप में जो है इस्तेमाल होती थी, और जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके आजादी के दीवाने सूली पर चढ़ जाते थे, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आप लोगों से फिर आखिर में एक बात ये कह रहा हूँ, आज 14 तारीख है, अभी थोड़ी देर के बाद 15 अगस्त हमारा योम आज़ादी का दिन होगा, तो मैं आप सब लोगों को योम आज़ादी की भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम कुर्बानियाँ दे करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया था। ये अब हमारा फर्ज है कि उनके जरिए दी गई आज़ादी को हम बरकरार रखें, और हम सब लोग अहद करें कि हम मुल्क और कौम की इसी तरीके से खिदमत करते रहें, अपने शहर की अपने कस्बे के विकास के लिए हर तरीके से हम लोग जो है तत्पर होकर के खिदमत करते रहेंगे। क्योंकि फाखिर साहब के याद में मुशायरा हो रहा है, इस वजह से आखिर एक शेर में फिर उनके उनको जो है याद करके उनके हवाले से एक शेर पढ़ करके मैं अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म करता हूँ कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे जीते रहो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।